दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाला है, जब हम IRCTC की वेबसाइट पे काम टिकट बुक करते हैं तो IRCTC पेज लोग आउट, सर्वर एरर, प्लीज वेट, पेमेंट एरर, पेमेंट लोग आउट, कई सारे प्रॉब्लम आते हैं। इसकी वजह से हम तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताऊँगा कुछ ऐसे ट्रिक्स जो ट्रिक्स का यदि आप फॉलो करते हैं ये सब सारे प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ही घंटी का बटन को दबा दीजिए ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं तत्काल टिकट बुक करने के बारे में। दोस्तों, हम जब IRCTC के लिए वेबसाइट में तत्काल टिकट बुक करने जाते हैं, हम क्या क्या गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से हम तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात हमें यह ध्यान रखना है, जब भी हमें पेज लॉग आउट जो आता है, दोस्तों सबसे पहली बात हम करते हैं पेज लॉग आउट का, टाइम आउट पेज लॉग आउट क्यों होता है। दोस्तों, जब हम तत्काल टिकट बुक करते हैं तो हम गलती क्या करते हैं, जो 3-4 मिनट पहले हम लॉग इन कर बैठते हैं IRCTC की न्यू वेबसाइट पे। तो दोस्तों, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जब भी हम तत्काल टिकट बुक करने जाएंगे AC या स्लीपर, तो 2 मिनट पहले ही हम लॉग इन करना है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, टाइम लॉग आउट पेज लॉग आउट होता है, टाइम मिनट की प्रॉब्लम जो आता है प्रॉब्लम आपको सोल्व हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, प्लीज़ वेट का जो ऑप्शन आता है, तो प्लीज़ वेट का ऑप्शन इसलिए ऑप्शन नहीं आता, दोस्तों जब हम बुक नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा इस बात को, जब बुक नाउ पे 11 जैसे ही बजता है उस समय बुक नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, 3-4 सेकेंड वेट करना है, इसके बाद दोस्तों हमें बुक नाउ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, जितने भी पब्लिक है वो 11 बजे प्रॉपर या 10 बजे प्रॉपरली बुक नाउ पे क्लिक करता है, इसकी वजह से आपको प्लीज वेट पे आपको टाइम ले लेता है। तो इस तरह से यदि आप 4-5 सेकेंड बाद यदि आप बुक नाउ पे क्लिक कीजिएगा, प्लीज वेट का जो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। दोस्तों, अब पेमेंट की बात करते हैं, जहाँ तक पेमेंट एरर, पेमेंट लॉग आउट होता है, तो दोस्तों ये तो बैंक की प्रॉब्लम होता है, सर्वर पे ज़्यादा लोड होने की वजह से सब एरर आता है। तो दोस्तों, आप यदि बैंक यूज़ करते तो SBI नेट बैंकिंग यूज़ कीजिए, इससे दोस्तों आपको एक क्या होगा, तो पेज लॉग आउट जो हो रहा है, बार बार पेमेंट फेल होता है, ये सब प्रॉब्लम आपको कम होगा। दोस्तों, डेबिट कार्ड यूज़ नहीं करें। और दोस्तों, आज दोस्तों यदि आप पेटीएम यूज़ करते तो पेटीएम भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप पेमेंट ले लेता है और OTP है जो काफ़ी फास्ट आ रहा है। दोस्तों, इसके बावजूद भी आपको बार बार ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखना, जब हम तत्काल टिकट बुक करने के लिए बैठते हैं, कंप्यूटर से हो या फिर लैपटॉप से हो, तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको हिस्ट्री डिलीट कर लेना है। दोस्तों, हिस्ट्री यदि डिलीट कर लेते हैं तो दोस्तों आपका ये प्रॉब्लम तो 95% का प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाता है। जो भी आपको प्लीज वेट है, लॉग आउट है, जो सर्वर एरर जितनी प्रॉब्लम आता है, सारा प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, यदि फिर भी प्रॉब्लम आपका सोल्व नहीं हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम फिर भी इसके बाद भी आ रहा है आपको, तो दोस्तों आप एक बार विंडो जरूर चेंज कर ली, जो भी आप विंडो यूज कर रहे हैं इससे आप फॉरगेट कीजिए, विंडो इंस्टॉल कीजिए। तो दोस्तों, इंस्टॉल करने के बाद ये सब सारे प्रॉब्लम यदि आपको प्रेजेंट है, ये सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से यदि आप तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कर रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से आप तत्काल टिकट बुक कर पा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में घंटी का आइकन दबा देना, ताकि आप पाए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के चैनल पर अपडेट हो।